अब शाम का टाइम होने वाला है और आप लोगों के मन में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे यार, कुछ नहीं पढ़ा है अब, बिल्कुल अब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए आई थिंक, है ना। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे और यूट्यूब पर ये अलग मचा हुआ है कि वायरल हो गए पेपर्स, ये सेट वायरल हो गया, वो सेट वायरल हो गया। फिर आप लोग भी कमेंट में लिखते हो कि सर हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है तो आप हमें इसका पेपर दो, और वो लोग रिप्लाई भी नहीं देते होंगे। AMRP डिजिटल पेश करते हैं ग्रो अ गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, CG बोर्ड और UP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और पाइए अपनी पढ़ाई के लिए ₹5,000 तक की स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉर्म को भरकर सबमिट करें। है ना, सबके साथ हो रहा है ये चीज़। मुझे भी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट मुझसे डील कर सकते हो, ठीक है, अपने डाउट्स की। ओके, तो देखो आपके मन में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम वो आ रहा होगा कि क्वेश्चन की शाम होने वाली है, 2 बज गए हैं और अभी अब पढ़ना चलो स्टार्ट कर देते हैं, इतने दिनों से पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया, ठीक है। तो देखो एक बात और बता देनी, आज शाम को 5-6 बजे बहुत 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 खास वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो को प्लीज़ देखना, ठीक है। और ये वीडियो मैंने इसलिए लाया हूँ कि आपको जितने भी छोटे छोटे 2 मार्क्स 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है वो सभी इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में दिए गए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो इजी है, आप नोट्स भी मत बनाओ, ठीक है, इस वीडियो के नोट्स मत बनाओ, बस सुनते जाना, इजीली सुनते जाना और अपना करते जाना, याद करते जाना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो बहुत ईजी है, किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। समझ में आ गया, बहुत ईजी था। एकांक सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसका परिणाम एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। क्वेश्चन ही में आंसर रहते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसमें जिस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जैसे एकांक लिखा तो एकांक से समझ आएगा कि आप लोग कुछ भी आपने तब पढ़ा होगा, वीडियोस देखी होंगी, तो आपके मन में अपने आप रियलाइज होने लगेगा हाँ इसका ये आंसर था, ठीक है। आप लोगों के मन में एक डाउट और भी आ रहे होंगे कि सर ये तो हम लोग इजीली कर लेंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये पास्कल का नियम, हुक का नियम, इनमें क्या रखा है, ये तो हम ऐसे ही लिखाएंगे। इसके बाद सर ये 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ न्यूमेरिकल वाले, जो इसमें डायग्राम वगैरह बनाने, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन बताइए कुछ। बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आए मुझे इसके, ठीक है, और आप लोग सोचते भी हो गए ना ऐसा, तो उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा शाम की वीडियो में। जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लो यार, आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम लोग किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ओके, ठीक है। और यूट्यूब पे वीडियो मत देखना, अभी जाओ पढ़ना स्टार्ट करो, इन क्वेश्चंस को पढ़ना, फिर जितनी भी वीडियोस अपलोड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ो, ओके, ठीक है। बात करते हैं प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए पिंड की गति प्रक्षेप गति कहलाती है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से क्षैतिज के किसी कोण पर फेंके गए पिंड की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। इसके अथवा का क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अरे ये तो फेवरेट है, आई थिंक सभी बच्चों का ये फेवरेट होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। बहुत ईजी है ना, मुझे मेरा तो फेवरेट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। यदि किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए पिंड पर कोई बाह बल आघूर्ण कार्य ना करे तो पिंड का कोणीय संवेग स्थिर रहता है, यह संवेग संरक्षण नियम है, यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। ओके, बहुत इजी आंसर था। विलगित निकाय से आप क्या समझते हैं, वह निकाय जिस पर कोई बाह बल नहीं लगाया जाता है उसे विलगित निकाय कहते हैं। बहुत ईजी, जिसमें कोई दूसरा बाह बल नहीं लगता है वो विलगित निकाय है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जी और जी में कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर लिख दो, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जबकि स्मॉल जी पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तु का त्वरण है। फिर कैपिटल जी सदिश है और जबकि स्मॉल जी अदिश है। मान लो आप पिन नहीं बनता, आप सब भूल गए हो, तो सीधा लिख देना कैपिटल जी अदिश है, स्मॉल जी सदिश है। सिंपल, एक नंबर मिल जाएगा आपको अगर 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो सूत्र याद कर लो, v=√2gr। ओके, और इसका क्या है, तो अति लघु उत्तरी, मतलब आपके पास प्रश्न परीक्षा देने तो उससे मिल जाएगा, नहीं तो गूगल कर लेना। हुक का नियम, बहुत इजी आंसर है। हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती हो उसे प्रतिबल विकृति कहते हैं। सिंपल,
ठीक है, किसी तार को खींचने के लिए कार्य क्यों करना पड़ता है, इस कार्य में तार को दी गई ऊर्जा का क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, अंतरा परमाणुक, कैसा शब्द है यार, ठीक है, बलों के विरुद्ध परमाणुओं को परस्पर दूर करने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो तार के प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये शब्द बढ़िया लगा यार, मतलब मैंने सच में फर्स्ट टाइम पढ़ा है, मतलब अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते थे ये लोग। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, उदाहरण दीजिए। जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं तो तरंग की अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ठीक है, जो स्प्रिंग अपन लोग ऐसे धड़काते हैं ना तो उसमें उत्पन्न तरंग होने लगती है, वैसा, ठीक है। आवर्त गति किसे कहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, मैं उसकी PDF आपको वहीं प्रोवाइड करा दूंगा, ओके, तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित पथ पर अपनी गति बार बार दोहराती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। आवर्त मतलब बार बार, ठीक है, तो जैसे एक निश्चित, जैसे जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पर, एक फिक्स समय पर, समय के बाद एक निश्चित पथ पर अपनी गति बार बार दोहराती है तो उस गति को आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति में आयाम से क्या तात्पर्य है, सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की साम्य स्थिति के उसके ओर एक अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आप लोग बहुत परेशान हो गए होंगे, ये गति, आवर्त, सरल किस क्वेश्चन में क्या लगाएं, कुछ मतलब समझ ही नहीं आता होगा, है ना, सेम प्रॉब्लम है, ओके। दोलनी गति का आवर्तकाल से क्या समझते हैं, दोलनी गति करती हुई वस्तु को एक दोलन पूरा करने में लगा दोलनी गति का आवर्तकाल कहलाता है। कार्य की परिभाषा लिखकर उसका व्यंजक नियमित कीजिए, तो ये रहा सिंपल डायग्राम है, ओके। फिर उसके बाद ऊर्जा एवं शक्ति के ऊपर वो लिखना है, तो ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, और परिभाषा शक्ति की क्या है, किसी वस्तु की कार्य करने की दर को उस वस्तु की शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक वाट होता है, इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक वाट होता है। कम ऊर्जा वाले कारक द्वारा किया गया कार्य अधिक ऊर्जा वाले कारक से हमेशा कम होता है और इसमें अधिक होता है, इसमें ऊर्जा कमान कार्य करने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता, इसमें निर्भर करता है, ओके। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक काम करेंगे, इसकी PDF आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पर दे देंगे, और शाम वाली वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें तो ज़्यादातर यही चलता रहता है। कैलोरी मापी का सिद्धांत क्या है, चालन संवहन एवं विवीकरण की तुलना कीजिए। अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, देखो ये 22 पेज की पूरी PDF है, हम इसको टेलीग्राम पर डाल देते हैं, नहीं तो ऐसे में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपका नेट भी काफ़ी कम बचा होगा, तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है आप लोगों के लिए, ओके। और YouTube पर अब वीडियो देखना बंद करो, मुझे जितने क्वेश्चन बताने थे हमने वो करवा दिए हैं, टॉपर सॉल्यूशन पे बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करा देंगे। अगर यही कोई होता ना YouTube चैनल, तो पता क्या करते, कई लोग मैंने देखे हैं इसी को मतलब पेड वो कर देते, मतलब पेड प्रमोशन ये होते हैं ना, मतलब उसको पैसों में वो करते। तो यार वैसे ही MP वुड वाले बच्चे, आप इस एजुकेशन में पैसे मत लो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ओके। एंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस वीडियो में नाम नहीं ले पाए हैं कमेंट्स के, तो आप लोग इतने प्यारे कमेंट्स करते हो कि नाम मतलब कैसे ही ले सकते हैं आप लोगों के, मतलब इतने मस्त मस्त कमेंट आए कि क्या ही बोलूँ, ओके। तो इस बार सॉरी कमेंट्स का रिप्लाई, मतलब नाम नहीं ले पाए, अनाउंस नहीं कर पाए, बाकी चलो ठीक है, ठीक है, अगली बार से ट्राई करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।